अब पत्रकारों की भी जो है जिज्ञासा आपकी ओर एक झुकाव आया, हमने विज्ञप्ति भी दिया, तो कैसा लग रहा, क्या करेंगे आगे इस पर? देखिए, आप लोग विज्ञप्ति दिए हैं, मैं इसमें आप लोग को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग का भी जो मांगे हैं या हम लोग का जो कमियां हैं ये सब आप लोग पॉइंट आउट किए हैं। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्स कम तथा पत्रकार बंधु जो हम लोग से भी जुड़े रहते हैं, तो इन लोगों का भी हम लोग ECL का तरफ से हम लोग जैसे CSR भी करते हैं, कुछ इन लोगों के लिए भी हम लोग कर पाएंगे तो हम लोग को खुशी होगा। और हम लोग जरूर इसमें देखेंगे आपका जो भी विज्ञप्ति दिए हैं। जहाँ तक आप लोग का पत्रकारिता का संबंध है, आप लोग तो ECL का बारे में हम लोग लगातार मीट करते हैं, महीना में एक बार मीट करने का कोशिश करते हैं, उसमें जरूर लिखिए जो खामियां हम लोग का है वो भी आप लोग जरूर मेंशन करिए, ताकि हम लोग का काम जो है उसमें और हम लोग अच्छे कर पाएँ। हम लोग कोयला उत्तोलन का साथ साथ आसपास का CSR और वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ है उसको भी हम लोग बरकरार रख सकें। एक एक सवाल है कंपनी से रिलेटेड, लगातार जो है BCCL हो ECCL हो, आपके पदभार ग्रहण करने के बाद जो है एक एक छलांग लगाया, इस बार अगली बार क्या टारगेट था और इस बार क्या टारगेट और क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए, हम लोग को प्रयास हमेशा रहता है एज टीम BCCL एंड टीम ECL, हम लोग का प्रयास यही रहता है कि कंट्री में जो कोयला का दरकार है उसका आपूर्ति हम लोग करें, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, जो दोनों जगह से काफ़ी बेहतर हो रहा है। अभी ECL का जो कोयला है इसमें भी काफ़ी संभावनाएँ दिखाई दिया है, बहुत सारे कंपनीज़ आ रहा है जो हमारा कोयला जो इसका पहले जैसा यूज़ नहीं हुआ था उसमें भी यूज़ के लिए ये लोग मांग रहे हैं। जैसे कि आपका स्टील कंपनीज आ रहा है कि PCI में हमारा कोयला यूज़ करेगा, तो ये सबसे मुझे लगता है ECL का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। इस बार का टारगेट है हम लोग का 54 मिलियन टन, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 102-103% का रेट से हम लोग प्रोडक्शन चला रहे हैं, मतलब टारगेट से आगे है। और जो प्लानिंग और व्यवस्था हम लोग किए हैं, रॉड बिल्डिंग, हम लोग चाहते हैं कि इस बार टारगेट का आगे हम लोग जाएंगे, और इसके लिए टीम ECL जो है पूरा वचनबद्ध है और काफ़ी मेहनत से काम कर रहा है। BCCL के बारे में, BCCL में भी देखिए हम लोग का नया वाशरीज हम लोग खुल रहे हैं, मोनिटाइजेशन में भी वाशरी दे रहे हैं, तो हमारा जो कोयला है वो बहुत दिन बाद ठीक मायने पे ठीक जगह में अभी जाएगा, मतलब हम लोग को स्टील इंडस्ट्री कोकिंग कोल का जो रियल यूज़ है उसमें जाएगा, तो हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोग को नया लिंकेज ऑप्शन भी होगा जो स्टील सेक्टर के लिए होगा, और प्रोडक्शन भी जो है इस बार BCCL का भी टारगेट है 45 मिलियन टन, तो लास्ट ईयर से 10% का ऊपर का टारगेट है, अभी BCCL भी 100% का ऊपर चल रहा है, तो हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग दोनों कंपनी में टारगेट का ऊपर प्रोडक्शन कर पाए। BCCL का वित्तीय जो टारगेट था कितना इस बार का फायदा हुआ? लास्ट ईयर हम लोग 2000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किए हैं, डिविडेंड भी दिए हैं, तो इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट आगे बढ़े। 45 मिलियन टन है तो प्रॉफिट हम लोग का उसी लेवल पे मिनिमम रहना चाहिए। डिविडेंड की जो बात होती है, हमको लगता है कि BCCL में पहली बार डिविडेंड दिया है, क्योंकि पुराना जितना भी लॉस था वो हम लोग खत्म कर दिया, वाइप ऑफ कर दिया, तो ये एक बड़ा बात था, माइलस्टोन था, तो हम लोग फर्स्ट टाइम एक डिविडेंड पेइंग कंपनी का रूप से उभरे हैं। रिपोर्टर एसोसिएशन द्वारा आज एक विज्ञप्ति सौंपा गया ECL के CMD समीरन दत्ता को, उसमें 10 सूत्री मांग को लेकर करके बातें कही गई है। पत्रकार हित में बहुत सारे जो है डिमांड्स हैं, जैसे जो है शिक्षा को लेकर के जो अनुदानित स्कूल्स है उस स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराया जाए पत्रकारों के बच्चों को, मेडिकल से सुविधा, मेडिकल जो है आउटडोर से जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको देखा जाए, इस तरह से 10 सूत्री मांग को दिएगा। उन्होंने बहुत आश्वासन भी दिया है और उम्मीद है कि ECL के CMD समीरन दत्ता जल्द ही इस पर कार्रवाई करते हुए एक अच्छी पहल करेंगे।